नमस्कार किसान भाइयों, आपका हार्दिक अभिनंदन अपने YouTube चैनल देसी फार्मर के अंदर। किसान भाइयों, जैसा कि आप सामने देख सकते हो, आज हम पहुंचे हैं गुजरात के अंदर एक काफ़ी बेहतरीन जो गिर नस्ल का डेयरी फार्म है। आप सामने देख सकते हो गिर गोपी फार्म। आपने मेरे चैनल पे काफ़ी सजेशन भी दिया था कि आप वहाँ जाइए, जो इंडिया के नंबर वन ब्रीडर है, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं इसके ऊपर। तो आप सामने देख सकते हो इस डेयरी फार्म के ओनर अपने सामने हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए इनसे ही जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। सर, आपका हार्दिक अभिनंदन अपने YouTube चैनल देसी फार्मर के अंदर। नमस्ते, मैं पुरुषोत्तम सिद्धपरा, गांव जाम का, तहसील डिस्ट्रिक्ट जूनागढ़, गुजरात। मैंने जब मेरी पढ़ाई छोड़ के कृषि की शुरुआत की थी, तब यहाँ रासायनिक खाद और फर्टिलाइजर से जैसे पहले कृषि हुआ करती थी, तो ऐसे कृषि की शुरुआत की। थोड़ा पढ़ा लिखा था तो हिसाब लिखना शुरू कर दिया। इसके बाद पता चला कि ये तो हमारी खुद की मजदूरी, ये जो किसानी जो उपज जो आ रही है तो उसमें नहीं हो पा रही थी। लेकिन हमने थोड़ा ये सोचा कि भाई इतना खर्चा हो रहा है, तो पहले के ज़माने में हमारे दादाजी बात किया करते थे तो कम कम खर्चा था, रासायनिक खाद नहीं थे, फर्टिलाइजर नहीं थे, तब भी अच्छे से अच्छी फसल आ रही थी, अच्छी क्वालिटी की बीज आ रही थी। तो अभी ये ऐसा क्यों हो गया? तो सोचा कि भाई ये कोई भी कुदरत ने निर्माण किया हुआ जीव, तो वो अपने इसकी खाद क्या है, इसकी खुराक क्या है, वो तय करना पड़ता है। समझो कि कोई गाड़ी खरीदा है तो उसमें पेट्रोल चलता है, डीजल चलता है, तो उस हिसाब से हम इसको चलाते हैं तो वो अच्छी तरह से चलती है। लेकिन कृषि में काम करने वाले जो सूक्ष्म जीव है, तो उसकी खुराक क्या है, वो सही ढंग से कृषि के अंदर वही सब फसल जो 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 चीज़ है जो हर एक जीवों को डालेंगे तो अच्छे से अच्छे तरीके से काम करेंगे और अच्छा इसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन हम रासायनिक खाद और फर्टिलाइजर डाल रहे हैं तो वो उसकी खुराक तो नहीं है। तो हमारी खुराक जैसे रोटी है, अनाज है, सब्जी है, जो गाय की खुराक है तो हरा चारा है, सूखा चारा है। लेकिन सूक्ष्म जीवों की खुराक है वो जैविक कार्बन है, ये जो हवा का नाइट्रोजन है, हवा का कार्बन है, वो पौधे की खुराक है। तो इसके जरिए हम पेस्टिसाइड डाल रहे हैं तो उससे जीव मर रहे हैं, तो कृषि अभी कंगाल हो रही होती जा रही है। जी सर, कृषि के अंदर जो इसका मूलाधार है, जो जैविक कार्बन है, कुदरती कार्बन, इससे ही पूरी कृषि का डेवलपमेंट होता है, फसलों का होता है। तो उसको डेवलप करने के लिए हमने एक खेतों के अंदर बायोमास डालने की वजह से हम बायोमास को जला रहे हैं। तो अभी समझो कि पंजाब हरियाणा इतना प्रदूषित हो गया है कि जितना भी बायोमास है वो सिस्टम यहाँ भी चल के आ गई है। तो जैसे पशुपालन के साथ कृषि कर रही थी तो एक रथ के दो पहिए के समान थी, कि एक भाई ने हल चलाया था, एक ने गाय के साथ काम किया था। कृष्ण बलराम का जो उदाहरण है वो पूरे भारतवर्ष ने विश्व को प्रेरणादायी है। तो हमने क्या किया, हमारे दो लड़के हैं, दोनों लड़के ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, उसने एक भाई गाय का काम कर रहे हैं, एक कृषि का काम संभाल रहे हैं। दोनों लड़के की बहू ग्रेजुएशन करके वो भी इसमें जो प्रोसेसिंग होता है, वैल्यू एडिशन जो बोला जाता है, मूल्यवर्धित जो चीज़ है कृषि में होती है, तो उसका वो काम संभाल रही है। पूरा ऑनलाइन पूरे देश में हर घर में यहाँ से घर पे ही माल पहुँचाते हैं। 11 देश में यहाँ से जो हमने जो भारतीय लोग हैं वो इसका गाय का घी खाते हैं, तो उसको भी यहाँ से हम सप्लाई करते हैं, 11 देश में जा रहा है। तो एक किसान खुद कृषि करे, गाय गौ पालन के साथ करे, और खुद की जो आमदनी बढ़ाने के लिए जो खुद का माल है उसका क्वालिटी बना के, ग्रेडिंग करके, पैकिंग करके, खुद मार्केट में लोगों तक जाए, तब भी यूजर और उत्पादक का समन्वय होता है। वो सही दर है, किसान को कहना चाहता हूँ। किसानों को, देशवासियों को मेरा एक संदेशा है कि भाई ये अपने जो भी निर्दोष लोगों को हम क्यों इतना भयंकर जहर और खाद डाल के सब अनाज पका के खिला रहे, जो बीमारी की समस्या है, प्रकृति की समस्या है, ये महामारियों की समस्या है, वो हम खुद लाए हैं। तो उसको रोकने के लिए लोगों को जहर मुक्त जीवन देना है, जहर मुक्त पर्यावरण बनाना है। तो जहर मुक्त बनाना है तो कैसे बना पाएंगे? तो इसको मूलाधार जो हमारा देसी गौवंश है, भारतीय गौवंश, जो हर एक प्रदेश की गाय अपने अपने प्रदेश में देसी कहा जाता है, जिसके ऊपर खुंद है, गौ सिंडिकेटर है, उसको ही देसी गौवंश बोला जाता है। तो इसके गौमूत्र और गोबर का हमने यहाँ वैज्ञानिकों के जरिए परीक्षण करवाया। ये जो प्राकृतिक कृषि है अभी के समय में, कृषि वैज्ञानिकों, विज्ञान और ये किसानों को साथ मिलके करेंगे
तो बहुत बड़ी सफलता इसमें मिलेगी। हमने गौमूत्र गोबर का जो परीक्षण करवाया तो उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, लोह, मोलिब्डेनम, जिंक, फेरस, कॉपर ऐसी चीज है जो पौधे को चाहिए, वो सब चीज यहाँ तुरंत मिल जाती है। तो वो चीजों से हम कृषि कर रहे हैं। तो अभी गौमूत्र और गोबर से 5100 प्रकार के रसायन हमारे कृषि वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट है जूनागढ़ के अंदर उसने उसमें से निकाला है। इसमें 388 प्रकार के तत्व ऐसे है जो ह्यूमन बॉडी को फायदा करता है, एंटी एजिंग, एंटी कोलेस्ट्रॉल, एंटी डायबिटिक ऐसे तत्व है। तो विज्ञान के जरिए हमको जानकारी मिली है, आज के युग में वही जरूरत है। तो इसके जरिए हमें कृषि में गए, कृषि के अंदर सूक्ष्म जीवों के लिए जो लभ्य स्वरूप में खाद बनाना है, तो इसके बाद हमने एनारोबिक डाइजेस्टर बनाया है जो गाय का गोबर, गौमूत्र, जागरी यानी गुड़, चावल का धोया पानी, वो सब चीज डाल के हमने ये सब चीज बना के पानी के साथ पिलाने का शुरू किया। तो आज कृषि के अंदर जैविक कार्बन की मात्रा है 1 से 1.5% हो गई है। जी सर, जी जी सर, वो मैं आगे आने वाले वीडियो में अपन उसको कवर करेंगे, जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक मैं सर मेरे चैनल पे मैं देखता हूँ लोगों का जो अपने दर्शक है वो उनका एक पॉइंट रहता है कि आप गिर गोपी फार्म पे जाइए, गिर गोपी फार्म पे जाइए, क्योंकि सबसे पहले जहाँ तक मैंने सुना है देखा है सबसे पहले जो शुरुआत की थी जो ऑर्गेनिक खेती हो गई या गिर नस्ल पे जो काम करने का काम है वो आपने स्टार्ट किया है। आपकी देख रेख के बाद ये जो आस पास अपन देखते हैं बड़े फार्म्स है उन्होंने ही आपसे सीखा है। तो आपने कैसे शुरुआत की, आपके अंदर ये जिज्ञासा कहाँ से जागी, आपने 12th पास की उसके बाद ये इस लाइन में आप आए, हाउ यू स्टार्टेड, ये बिगनिंग इसकी कैसे शुरुआत हुई, उसके बारे में थोड़ी सी अपने जो रोचे तथ्य है आपने जो शुरुआत की थी उस जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश कीजिए सर। ये मेरा जो जर्नी था, मेरे पिताजी कृषि के बहुत शौक से कृषि कर रहे थे जी, तो इसके साथ में छोटे से बचपन से लेके इसके साथ आया जाया करता था कृषि में। गाँव में हमारा जन्म हुआ था तो कृषि के साथ ही जुड़ा हुआ था। प्रकृति हमारा कुदरत ने दिया हुआ एक जो अमूल्य भेंट है तो हमको लगाव भी प्रकृति की ओर हमारा लगाव रहता था। तो कृषि करते करते पढ़ाई करते करते इसमें साथ जुड़ गए थे। तो शुरुआत की थी तब तो हमारे पास कितने ऐसी आमदनी भी नहीं थी और छोटी सी शुरुआत से हमने शुरू किया था। आज ये जो पूरे अपने हृदय लगा के कृषि और गौपालन करेंगे तो दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कि आज पैसे का इन्वेस्टमेंट करें और कल से इनकम शुरू होने वाला है। तो ऐसा सबसे पहला ये कृषि का काम है तो वो हमने शुरू किया। और कृषि उत्तम बोला है, वो शास्त्रों में भी लिखा है, गायों के साथ रहना है जो, तो वो भी प्रकृति के साथ रहने का जो अवसर मिला है। तो इसके हमारी जर्नी आज यहाँ इस गिर गोपी फार्म को देखने के लिए जामका के अंदर, यहाँ से जल क्रांति की शुरुआत हुई, गौ क्रांति की शुरुआत हुई और गाय आधारित कृषि क्रांति है उसकी भी शुरुआत यहाँ से हुई है। तो वो देखने के लिए आज 10 लाख से ज़्यादा लोग इस गांव में इस फार्म की मुलाकात कर चुके हैं। देश के महान जो हस्तियाँ है वो भी यहाँ एक एक दिन रुक कर गई है और 34 कंट्री के देश के कृषि वैज्ञानिकों और महानुभाव भी यहाँ विजिट कर चुका है। तो ये हमारी जो जीवन कार्य की, कृषि कार्य की जो सफलता है वो आज तक हम यहाँ पहुँचे। जी सर, बिल्कुल सर, अभी आपके ऑफिस में मैं बैठा था तो टेम्पलेट्स आप मेरे को दिखा रहे थे, एक से बढ़ के एक जो महान व्यक्तित्व है इस अपने इंडिया के अंदर, बाबा रामदेव हो गए, नरेंद्र मोदी हो गए, ये एक प्रमोशन नहीं है, काफ़ी कन्विंस करने के बाद सर इंटरव्यू देने के लिए एग्री हुए हैं। तो इनका ये कोई प्रमोशनल या वैसा वीडियो बनाने की कोई इच्छा नहीं थी, या मैंने चला के आपकी इच्छा थी उसके बाद यहाँ पहुँचा और इनको कन्विंस करने में भी थोड़ा टाइम लगा। मैं इनके फोटोज़ देख रहा था, बाहर से इंडिया के बाहर से भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हो गए, जो कुछ ब्राज़ील के कुछ लोग हैं जो वहाँ गिर नस्ल रख रहे हैं वो यहाँ सीखने के लिए आते हैं, छोटे बच्चों के लिए मुफ्त में ये ट्रेनिंग देते हैं, यहाँ रहने के लिए खाने पीने की व्यवस्था वो बिल्कुल फ्री में देते हैं, जो किसान भाई है जो कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए भी ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। काफ़ी अद्भुत, काफ़ी शानदार काम सर आप कर रहे हो इस लाइन में। मैंने देखा है सर काफ़ी कम ही लोग हैं जो ऐसा आपकी फ्री सेवा में इतना तन मन धन से ऐसा काम करते हैं, कुछ लोभी लोग भी आ गए हैं इस लाइन में, वो एक गौ सेवा के आड़ के अंदर कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे, मतलब इसको बदनाम भी कर रहे हैं। तो आपकी क्या राय है इसके प्रति, कैसे लोगों को पहचानना चाहिए कि ये सच्चा आदमी है कि ये झूठा आदमी है, व्यक्तित्व को कैसे पहचान सके किसान भाई वो धोखे में ना रहे सर? जो किसान भाइयों को मेरा नम्र निवेदन है जी कि एक तो वास्तविकता को पहचानना चाहिए जी, इसकी बातों से पता चल जाता है, इसके कार्य से पता चल जाता है, इसकी मार्केटिंग से पता चल जाता है जी। तो हमने ये कोई वेबसाइट नहीं दिया फिर भी इतने लोग यहाँ आए जी, तो माउथ से माउथ
जो भी आप यहाँ आए हैं जी, तो आप दूसरे दो लोगों को बोलो कि मैंने वास्तविक रूप से जो देखा है जी, वो खरे खर जो वास्तव में सही रास्ते पे है, सही जो नॉलेज है वो वहाँ से मिलता है। कृषक, ये जो कृषि हमारा प्रकृति धर्म, प्रकृति को बेचनी नहीं चाहिए, जैसे ज्ञान को नहीं बेचा जाता वैसे तो ऐसे नहीं बेचना चाहिए। और गाय जो हमारी संस्कृति की जो उसको माता कहा गया है जी सर, तो इसको आगे रख के कुछ झूठ नहीं बोलना चाहिए, अतिशयोक्ति भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में रखेंगे तो इसका गांव का अवमूल्यन हो जाएगा, क्योंकि वे मेरा घी 10,000 रुपये किलो बेच रहा है, तो और लोग सोचेंगे कि हमें वो सपने में भी सोचना बंद कर देंगे हम घी खाएंगे जी सर। लेकिन इसकी वास्तविकता है जो उसका अवमूल्यन भी नहीं होना चाहिए, इसकी औलाद का भी नहीं होना चाहिए, संवर्धन के लिए जो सांड है तो सांड का भी इसका मूल्यांकन करें, इसका अवमूल्यन नहीं होना चाहिए। हर एक प्रकृति के चीज का जो मूल्य है वो वास्तव में दिखा के लोगों के साथ जुड़ के अंदर से अच्छे भाव से जो वास्तविकता दिखाएंगे तो बहुत लोग इसमें जुड़ जाएंगे। और यही किसानों को करना चाहिए, यहाँ हम किसानों को जो हमारे यहाँ काम करने वाले मजदूर है जी सर, उसको भी जो खाना मिलता है वो भी हमारे खेत में पका हुआ गाय का दूध घी सब वही लोग खाते हैं, मेहमानों के लिए भी वही है। यहाँ दूसरा को दो रास्ता भी नहीं होना चाहिए, जिसको प्रकृति के साथ जोड़ना है, प्रकृति को पहचानना है, जिसको कृषि करनी है वो यहाँ आ सकते हैं। यहाँ कई पद्धतियों से हमने 18 साल में बहुत प्रयोग करके सफल जितने भी प्रयोग है यहाँ वास्तव में या जो ये प्रैक्टिकल भी यहाँ दिखा के बताते हैं गाय कैसे धोना है। ये जो मजदूर लोग हैं हम यहाँ रोजगार तालीम देते हैं, सब लोगों को गाय रखने वालों की जरूरत है, तो हम जिसको रोजगारी की जरूरत है तो उसको यहाँ बुला के रोजगारी को इसको मेहनत का पैसा देते हैं, पढ़ाते हैं, बाद में ट्रेनिंग करके तैयार होके इसको नौकरी की जिम्मेदारी भी हम रखते हैं। तो ऐसे कई परिवार है जो इसमें जुड़ के जो नौकरी के ऊपर लगे हैं। आत्मनिर्भर भी बनाने की आप कोशिश कर रहे हो, उनको रोजगार देने की भी आप कोशिश कर रहे हो। इसके अलावा सर एक थॉट प्रोसेस रहता है कि गिर नस्ल का फार्म खोलेंगे, एक सोच होती है कि काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी, काफ़ी पैसा कहाँ से लेंगे, लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, आपकी क्या राय है? 15-18 साल का आपका एक्सपीरियंस, आप एक गाय से दो गाय से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, फिर उसको आगे वो प्रोग्रेस कर सकते हैं। एक छोटा सा जैसे यंग जनरेशन आज के टाइम काफ़ी अच्छी पढ़ लिख लिए हैं, वो इस लाइन में आना चाह रहे हैं, पर उनको कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है मार्केट के अंदर कि कैसे वो शुरुआत कर सकते हैं, कैसे सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ के वो आगे अपना मुकाम जो उन्होंने अचीव करने की कोशिश उन्होंने टारगेट रखा है वो अचीव कर सके। सर आप जैसे एक्सपीरियंस आदमी, आप जैसे गुरु आदमी यही सच्चाई बता सकते हैं और वो आपको सुनेंगे तो वो अच्छा अपना जो टारगेट है उसको अचीव कर सकते हैं। सर मेरा लोगों को ये कहना भी है जी कि ये युवा धन है पूरे देश का जी सर, इसके प्रति मेरा हृदय का भाव रहेगा जी, युवा धन को मैं बहुत आगे लेके जाना चाहता हूँ जी सर। ये जितने भी लोग पढ़े लिखे हुए आज रोजगारी की समस्या है बिल्कुल सर, तो उसको रोजगार के लिए वो जो कंपनियों में जाते हैं, मार्केटिंग के विभाग में जाते हैं, समझो कि ये मैंने कहीं रोड पे देखा है कि बड़ी बड़ी कंपनियों का जो सिम कार्ड है जी सर, वो 8,000 रुपये में सर्विस करता है, लड़का छाता के नीचे खड़ा रह के बैठता है जी सर, खुद के फादर की 10-15 एकड़ जमीन है फिर भी वहाँ 8-10 हज़ार रुपये में, वो पतन का मार्ग है जी सर। अगर खुद की जमीन है तो उसको, खुद की जमीन नहीं है फिर भी इसको ये कृषि और प्रकृति का काम करना चाहिए। यहाँ वो लोग आएंगे तो मेरे दोनों लड़के इंजीनियरिंग के बाद इस सेक्टर में आए हैं, अभी वो काम कर रहे हैं, 18 घंटा काम कर रहे हैं। दोनों लड़के की बहू भी ग्रेजुएशन करने के बाद वो कोई ऑफिस में काम करने नहीं गई, ये पूरे देश में मेरे परिवार है वो भी एक प्रेरणादायी है। इस देश के युवाओं का मेरा आह्वान है कि वो यहाँ आइए, जिसको रोजगारी की जितनी जरूरत है, आने वाला समय भविष्य ये कहता है कि अगर लोगों को जीना है और जिंदा रखना है तो प्रकृति के गोद में जाना ही पड़ेगा, यही प्रकृति का गोद है। कृषि करें, कृषि का उत्पादनों का मार्केटिंग करें, विदेशों में भी इसकी बहुत बड़ी समय जो मांग है उसको वहाँ जरूरत है। तो युवा धन को मैं ये यहाँ मुफ्त में ट्रेनिंग देके क्या करना है कैसे करना है, कोई भी समस्या है, गाय रखने की समस्या है गाय कैसे रखें, एक गाय से शुरुआत करें, या अभी अपना जो भारत सरकार और गुजरात सरकार भी इसमें लगी है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये भी सब्सिडी भी प्रोवाइड कर रही है कि पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री द्वारा, तो वो भी जानकारी यहाँ से मिलेगी कैसे आप 1 से 5 गाय से शुरुआत करें, कैसे मार्केटिंग करना है, गोबर का क्या यूज करना है, इसका सभी बायो प्रोडक्ट का हम तो पैसा लगा के करेंगे तो गाय को भी हम आबाद बनाएंगे, मानव संस्कृति को जहर मुक्त जीवन दे सकेंगे। तो इस देश के युवाओं को जरूर, युवाओं की जरूरत है इस कृषि में, वर्ल्ड के पूरे
कंट्रियों में जहाँ जहाँ कृषि होती है तो वहाँ सब लोग पढ़े लिखे हुए हैं, ग्रेजुएशन करके, तो इसमें कोई छोटी बात नहीं है कृषि करेंगे कि गौ पालन करेंगे। इसी पॉइंट पे सर आपसे वार्तालाप करने में, कन्वर्जेशन करने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, जो सामने दर्शक देख रहे हैं उनको भी काफ़ी अच्छी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके अलावा सर, जैसे आपने बताया कि आपके दो बेटे हैं, इंजीनियरिंग किए हुए हैं, वो इस लाइन में आए हैं, एक इसमें समाज का भी बहुत बड़ा रोल है सर, क्योंकि जो माता पिता किसानी कर रहे हैं वो नहीं चाहते कि उनका बेटा इस लाइन में आए, चाहे वो बाहर कंपनी का ठेला लगा के 8,000-10,000 रुपये कमा रहा है, पर वो सोचते हैं कि अगर यहाँ खेती करेगा तो समाज में उनकी इज्जत नहीं रहेगी, उनकी शादी ब्याह नहीं होगा। ये धारणा भी एक बहुत बड़ा इम्पेक्ट रोल कर रही है दूर दराज गाँव में, जो माता पिता है उनकी सोच, आप जैसी सोच, खुली सोच वाले आदमी बहुत ही कम है। आप कुछ बोलोगे, वो कुछ आपका वीडियो देखेंगे तो उनको भी ये मतलब अंदर से लगेगा कि इसको भी एक बिजनेस मॉड्यूल के तौर पर अपन आगे ले जा सकते हैं, इसको भी एक कंपनी के तौर पर अपन खड़ा कर सकते हैं और इससे भी अच्छा पैसा अपन कमा सकते हैं। सर आपकी क्या राय है इसके प्रति? सर मेरे भी ये समस्या थी, मेरे सगे संबंधी बोल रहे हैं कि आपको अक्ल नहीं है, आपके दोनों लड़के को यहाँ पढ़ा के गाँव में क्यों लेके आए, इसकी शादी नहीं हो सकती। मैंने कहा अगर लड़का पान मावा गुटखा खाएगा जी सर, ये जो मोबाइल में पबजी खेलेगा जी सर, ये अपना फालतू समय दोस्तों के साथ जाएगा, शराब पिएगा जी सर, पिताश्री कृषि में बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसका पैसा उड़ाएगा जी सर, अभी इसके पास 100 एकड़ जमीन है ना, तो भी इसको लड़की मिलने वाली नहीं है। आज लड़कियां भी सोच के समझ के हो गई है, जिसके शहरों में ज्यादा से ज्यादा दिखावा है जी सर, दिखावा की हमारे यहाँ से सौराष्ट्र के लोग ज्यादा से ज्यादा सूरत गए हुए जी सर। अगर शहर में 25,000 जो कमाई होती है जी सर, 25,000 में उसका घर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा सर, नहीं चलेगा बिल्कुल। तो इसको यहाँ गाँव में 10,000 कमाए इसको मिलेगा, तो एक तो इतनी खुली हवा मिलेगी, अच्छा सब्जी मिलेगा, अच्छा पोषक तत्व मिलेंगे, तो इसका जीवन अच्छी तरह से हो जाएगा। मैंने अपने बेटों को अपने विश्वास के दाव पे लगा के दोनों को यहाँ रखा, आज दोनों लड़कियों का पिता के एक एक लड़कियाँ है, रोती एक एक लड़की है जी सर, फिर भी इसने हमारा ये कृषि का काम, ये जो हमारी सोच, ये हमारे विचार, हमारे जो लड़के हैं वो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, शाम 10-11 बजे तक काम करते हैं, कोई व्यसन नहीं है, कोई फालतू लोगों के साथ बैठना नहीं है, कुछ समय बिगाड़ना नहीं है, तो समाज देख रहा है, समाज एक आईना है जी सर। अगर जो ये शहरों में ज्यादा से ज्यादा दिखावा है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा लड़कियां भी फंस रही है जी सर। लड़कियों को भी मेरा एक आह्वान है, नम्र निवेदन है कि अगर प्रकृति के साथ काम करने को मिलता है तो वहीं पे सोच रहना चाहिए, अगर लड़का व्यसन नहीं कर रहा तो इसके साथ शादी करनी चाहिए। लड़के की वास्तविकता देख के ये दिखाओ दे बड़ी बड़ी गाड़ी ले लेता है, वो सब लोन पे मिलता ही है, आज मर्सिडीज लेना है तो वो भी मिल सकती है, लेकिन इसको इसके पीछे की जो प्रोसेस है वो समझ के जांच करके, पहले गांव में रहता है, आज गांव में भी शहरों जैसी शहरों से अच्छी सुविधाएं है, तो अभी ऑनलाइन है, आप दुनिया के कोई भी कोने में बेच सकता है, आज अमेजोन है कहाँ पहुंची, एक गोडाउन में बैठ के माल पैक करके पूरी वर्ल्ड को भेज रही है। तो पढ़े लिखे लोग गाँव में रह के अगर ये जो मार्केटिंग का काम करेंगे तो सबसे बढ़िया काम हो जाएगा, खर्चा कम होगा और यूजर को हम थोड़ा सस्ता भी दे पाएंगे। अगर मैं भी शहर में बड़ा 2-3 करोड़ का मॉल लगा के जो चीज बेचेगा तो हम 1750 घी बेच रहे हैं, तो इसकी जगह हम 2500 या तो 3000 में बेचना पड़ेगा। गांव में रहो, कम खर्चे में कृषि करो, कम खर्चे में उत्पाद करो और पूरे भारत की 130 करोड़ लोगों की जो जनता है उसको हम जहर मुक्त अनाज, सब्जी, कटहल, फ्रूट वगैरह सब दे पाएंगे, ये पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं। तो मेरा युवतियों और युवाओं को नम्र निवेदन है, एक बार यहाँ आए, जिसको रोजगार की समस्या है मैं पूरा आत्मविश्वास के साथ कहता हूँ इसको अच्छा जीवन मिलेगा और अच्छी आमदनी भी कमाएगा। ये तो मैं वादे के साथ भी मैं कह सकता हूँ, जहाँ तक मैंने देखा इनको एनालाइज किया है, क्योंकि मैं काफ़ी डेयरी फार्म पे जा चुका हूँ, मैं एनालाइज करता हूँ, तो आदमी को समझ में आ जाती है कि कितना आदमी दिल से काम कर रहा है, कितना सच्चाई से काम कर रहा है। अगर आप यहाँ आओगे, इनका जो वर्क कल्चर है, जो एनवायरनमेंट है, जिस हिसाब से ये काम करते हैं, धरातल से जुड़े हुए हैं, इनका मतलब इतने बड़े लेवल पे होके भी ये जमीन से जुड़े हुए हैं, गांव के लोग हैं, उनसे बात करने का तरीका, प्रधानमंत्री है वो आ चुके हैं, रामदेव जी है, बाबा रामदेव है, एक से एक बढ़ के जो अस्थि है बड़े से बड़े लेवल पे वो इनके साथ बैठ चुकी है, फिर भी इनका जो जमीन से जुड़ा हुआ नेचर है वो आज भी यही है। और जो जितना बड़ा इंसान होता है वो यही इनकी एक कला होती है कि वो जमीन से जुड़े हुए रहते हैं,